आंसर इज व्हाट इज केपीओ, एक्सप्लेन इन डिटेल। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में बीपीओ का आंसर किया, अब हम करेंगे केपीओ। अब देखो सबसे पहली बात ही देखो, एक होता है बीपीओ और आज जो हम कर रहे हैं वो है केपीओ। हमने लास्ट लेक्चर में किया बीपीओ, आज हम कर रहे हैं केपीओ। अब दोनों में फर्क है, अब क्या फर्क है अच्छे से समझो। बीपीओ अगर देखा जाए तो एक तरह से लोकल है या नॉर्मल है, मतलब लोकल लेवल या नॉर्मल लेवल है। अब जैसे अगर आप बोलो, अगर आप किसी कॉल सेंटर में जाते हो, किसी बीपीओ में जाते हो, आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, लेकिन अगर आप कॉल सेंटर या बीपीओ में जाओगे, आप बोलोगे मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो लोग आपको जॉब दे देंगे। वहां पर आपको हाई डिग्री, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन की जरूरत नहीं है, हाई नॉलेज, हाई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बीपीओ नॉर्मल काम संभालता है कंपनी का। क्या, कौन सा काम? नॉर्मल काम। अब जैसे देखो बीपीओ नॉर्मली कौन सा काम संभालता है? कॉलिंग का काम, कंप्लेन को सॉल्व करने का या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम, कंप्लेन को सुनने का, सॉल्यूशन देने का कस्टमर को, तो ये सारे काम नॉर्मल है, इसमें एक्सपर्ट सर्विसेज की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर केपीओ की बात आती है, केपीओ में एक्सपर्ट सर्विसेज मिलती है। क्या है? एक्सपर्ट सर्विसेज मिलती है। वहां पर हाईली टेक्निकल लोग चाहिए, हाईली टेक्निकल या फिर नॉलेजेबल लोग चाहिए। क्या चाहिए? नॉलेजेबल लोग। कैसे चाहिए? नॉलेजेबल लोग चाहिए। समझ में आके, क्या चाहिए? नॉलेजेबल लोग चाहिए। अब अगर आप ये सब नहीं हो तो आप केपीओ में काम नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? तो देखो बीपीओ क्या है, एकदम लोकल है या नॉर्मल है, पर केपीओ में क्या है, या तो एक्सपर्ट सर्विसेज चाहिए, या तो हाईली टेक्निकल चाहिए, या तो नॉलेजेबल लोग चाहिए। समझ में आया क्या? या तो नॉलेजेबल लोग चाहिए। मतलब इन शॉर्ट आप इतना समझ जाओ कि जो केपीओ है वो बीपीओ से ऊपर का लेवल है, जो केपीओ है वो हाई लेवल है और जो बीपीओ है वो लो लेवल, इतना समझ जाओ। बरोबर, केपीओ हाई लेवल, बीपीओ लो लेवल। यूजुअली बीपीओ बहुत सारे होते हैं, बीपीओ के पास ज्यादा काम होता है, केपीओ के पास कम काम होता है, लेकिन केपीओ थोड़ा हाई लेवल है उससे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो हम आंसर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। चलो क्वेश्चन क्या है एक बार, व्हाट इज केपीओ, एक्सप्लेन इन डिटेल। हमेशा की तरह सबसे पहले मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन, मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन। बरोबर, तो अभी देखो मीनिंग इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। केपीओ स्टैंड्स फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ स्टैंड्स फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ स्टैंड्स फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, तो ये पहला पॉइंट तो हमेशा फुल फॉर्म, बीपीओ में पहला पॉइंट क्या लिखा था उसका फुल फॉर्म। सेकंड पॉइंट एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है कि केपीओ होता क्या है। अब देखो क्या लिखा है, केपीओ इज द एलोकेशन ऑफ हाई लेवल टास्क। ये याद रखना, केपीओ इज द एलोकेशन, एलोकेशन मतलब सबको साथ मिलाने का है। केपीओ इज द एलोकेशन ऑफ हाई लेवल टास्क टू एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, जितने भी हाई लेवल टास्क उन सबको साथ में लेके आओ और वो किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को दे दो। जितने भी हाई लेवल टास्क है वो साथ में लेके आओ और वो किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को दे दो। इन शॉर्ट किसी बाहर वाली कंपनी को आउटसोर्स कर दो। इन शॉर्ट किसी बाहर वाली कंपनी को आउटसोर्स कर दो। अभी तुम लोगों ने सर यहाँ पर आउटसोर्सिंग क्यों आया, नाम में आउटसोर्सिंग है ना, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बरोबर ना, ये आउटसोर्सिंग का ही पार्ट है ना, बीपीओ केपीओ जितने भी ऐसा आउटसोर्सिंग का पार्ट है। तो आपने क्या किया, जो हाई लेवल टास्क है वो आपने किसी और कंपनी को दे दी। और हम क्या लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट, और डिफरेंट ग्रुप, या फिर किसको दे दो, एक डिफरेंट ग्रुप को विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। बरोबर, ये देखो हाई लेवल टास्क है, मतलब आपके पास हाई लेवल टास्क है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन हाई लेवल टास्क को साथ में जमा करके बाहर वाली कंपनी को दे दो, या तो इन हाई लेवल टास्क को जमा करके खुद की कंपनी में किसी दूसरे ग्रुप को दे दो, खुद की कंपनी में किसी दूसरे ग्रुप को दे दो कि भाई आप सिर्फ इसके ऊपर काम करो। समझ में आया, ये क्या हो गया, केपीओ। Is it clear? ये देखो, KPO high level task है, BPO normal level task, KPO high level task। तो जो KPO में जो high level task है, वो आप एक साथ जमा करो। तो आपको पता है, हाँ ये मेरे high level task थे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बाहर वाली कंपनी को दे दो कि भाई आप हमारा ये काम करके दे दो, या तो खुद की कंपनी में एक सेपरेट ग्रुप बनाओ जिसको ये काम दे दो। समझ में आया, या तो बाहर वाली कंपनी या तो खुद की कंपनी में एक सेपरेट ग्रुप जो सिर्फ इसके ऊपर काम करे। वो क्या हो गया, केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। समझ में आया। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, देखो
KPO requires advanced skills. KPO requires advanced skill as well as high degree of specialist expertise. एडवांस स्किल चाहिए, मतलब आप किसी एरे गहरे को केपीओ का काम नहीं दे सकते। आगे वाला बहुत ही टेक्निकली नॉलेजेबल होना चाहिए, उसके पास हाई स्किल्स होने चाहिए, तो ही आप उसको ये काम दे सकते हो। जैसे आप बीपीओ में नॉर्मल काम दे दोगे कि भाई हमारा कॉलिंग संभालो, हमारा कंप्लेन संभालो, कस्टमर्स को सोल्यूशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो, ये सब नॉर्मल काम्स है। लेकिन जो हाई लेवल डिसीजन है, जैसे मार्केट को रीड करना है, उसके हिसाब से आपकी कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल आपको चेंज करना है, उसके हिसाब से आपको कंपनी का सेल्स चेंज करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चेंज करनी है, ये सब हाई लेवल टास्क है। तो आप ये नॉर्मल बीपीओ को नहीं दे सकते, वो लोग इतने केपेबल नहीं है संभालने के लिए, तो आप किसको दोगे? केपीओ। समझ में आया? तो देखो केपीओ में लेकिन कैसा, केपीओ रिक्वायर्स में तो लिखा है केपीओ रिक्वायर्स एडवांस स्किल्स एज वेल एज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज, मतलब कोई एक्सपर्ट चाहिए या जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा स्किल्स है, वो ही केपीओ में काम कर सकता है या वही केपीओ का काम हैंडल कर सकता है। समझ में आया? ये क्या था हमारा मीनिंग या फिर इंट्रो। याद रखना पहले पॉइंट में अपन हमेशा क्या लिखेंगे, फुल फॉर्म केपीओ स्टैंड्स फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ स्टैंड्स फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, फुल फॉर्म हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या लिखने का, केपीओ का काम क्या है? तो केपीओ का काम क्या है, हाई लेवल टास्क को एलोकेट करो, या तो बाहर वाली कंपनी को आउटसोर्स करो, या तो अपने कंपनी में किसी और ग्रुप को आउटसोर्स करो। बराबर, आपने जिसको आउटसोर्स कर दिया वो केपीओ है। इन शॉर्ट आप केपीओ को आउटसोर्स कर रहे हो, तो जो हाई लेवल टास्क केपीओ को कंपनी से मिलेगा, केपीओ उस पर काम करेगा। बराबर, या तो आप बाहर वाले केपीओ को दे दो, या तो अपने ही कंपनी में आप छोटा सा अलग से केपीओ बना के उनको दे दो। समझ में आया? और थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, केपीओ रिक्वायर्स एडवांस स्किल्स एज वेल एज हाई डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज, मतलब एडवांस स्किल्स चाहिए या तो हाई डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए। इज इट क्लियर? ये था हमारा मीनिंग या इंट्रोडक्शन। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेनिंग डिटेल, तो आपको मीनिंग और इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने मीनिंग लिखा है पूरा, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। ये जो मैंने पूरा मीनिंग लिखा है, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये शॉर्ट को थोड़ा और एक्सप्लेन करो। मैंने ये शॉर्ट में लिखा है। अगर आप ये नोटबुक में लिखने जाओगे, वही एक लाइन, ये दो लाइन, और ये लास्ट वाली भी एक लाइन, सिर्फ चार लाइन का इंट्रोडक्शन है। एग्जाम में थोड़ा बहुत और डिटेल में लिखो। समझ में आया? लेकिन क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ मेरा मेन पर्पस है आपको समझाना, इसलिए मैंने ये शॉर्ट में समझाया। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने वो समझाया। समझ में आया? इसके बाद आप खुद के पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ केपीओ। सबसे पहला एडवांटेज क्या है केपीओ का, रिडक्शन इन कॉस्ट। याद रखना कोई भी आउटसोर्सिंग हो उसमें कॉस्ट कम होगा। आप जितने भी बार काम आउटसोर्स करोगे आपका कॉस्ट कम होगा। कॉस्ट कम क्यों होगा? क्योंकि आप एक्सपर्ट को काम दे रहे हो। जब आप एक्सपर्ट को काम दे रहे हो, उसको ऑलरेडी पता है कि काम कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका खर्चा कम ही लगेगा। जब आप खुद पहली बार काम करोगे, आपको नहीं पता है काम कैसे करना है, तो आपका ज्यादा खर्चा होगा। लेकिन जब आप एक्सपर्ट को काम करने के लिए दोगे तो सिर्फ अपनी फीस लेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली खर्चा कम हो जाएगा। इसलिए क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट रिडक्शन इन कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, डिक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखो केपीओ हो, इधर जरूर यहां पर लिख देता हूं, केपीओ हो, बीपीओ हो, एलपीओ हो, कुछ भी हो, इन तीनों में काम करने वाले तो आखिर में लोग ही रहेंगे ना। तो जब इन तीनों के पास काम आएगा तो ये लोग भी लोगों को खुद के पास काम पे रखेंगे। जब ये लोग खुद के पास काम पे लोगों को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, मतलब लोगों को नौकरियां मिलेगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। समझ में आया? नेक्स्ट, हायर स्किल्ड एम्प्लॉयज कैसे चाहिए अपन को, ऐसे एम्प्लॉय जिनका स्किल लेवल बहुत हाई है। जिनका स्किल लेवल कैसा है, हायर लिखा है, हायर स्किल्ड एम्प्लॉयज उनका स्किल लेवल कैसा होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। मतलब आप नॉर्मल एम्प्लॉयज को काम पे नहीं रख सकते, केपीओ में, बीपीओ में रख सकते हो। केपीओ में आपको ऐसे एम्प्लॉयज है जिनका स्किल लेवल हाई है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि टास्क भी आपको हाई लेवल का मिल रहा है ना, तो अगर आप नॉर्मल किसी को काम पे रखोगे वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको आगे वाला भी स्मार्ट चाहिए, आगे वाला भी हाई लेवल वाला चाहिए। ठीक है, हायर स्किल एम्प्लॉयज। और लास्ट में क्या लिखा है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब क्या, जब आप बीपीओ को देते हो
तो उनके पास काम क्या है, वो ये कॉलिंग कंप्लेन वो सब उनका काम है। तो उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर आप कभी कस्टमर केयर में फोन करते हो तो आप देखना 99% ऑफ द टाइम जब आगे वाला फोन उठाएगा तो उसका रिप्लाई एक ही रहेगा, हेलो सर हाउ मे आई हेल्प यू, डायरेक्ट ही रहेगा उसका रिप्लाई। क्योंकि उनको बोला गया, उनको सिखाया गया कि आप ऐसे ही आपको काम करना है, आपको ऐसे ही बात करनी है कस्टमर से। अगर वो आपको गालियां नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि उनको सिखाया गया, प्रॉपरली ट्रेन किया गया कि कस्टमर से ऐसे ही डील करना है। तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब वो लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ नया नहीं कर सकते। लेकिन केपीओ में क्या, आपको कस्टमर से ज्यादा डील नहीं करने का है, आपको हाई लेवल के काम दिए गए, तो आउट ऑफ द वे जाके नए नए तरीके क्रिएटिविटी से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या कंपनी को अपना सजेशन दे सकते हो। समझ में? इसलिए क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। चार पॉइंट डन, एडवांटेज बराबर। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। पहला पॉइंट, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। एक बात याद रखना, अब जब भी बाहर वाले को अपना काम करने के लिए दोगे, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी ही होगी। क्यों? जब आप बाहर वाले को अपना काम करने के लिए दे रहे हो, आपको उसको अपनी डिटेल बतानी पड़ेगी कि मेरी कंपनी का ये डिटेल है, हम ये प्लान कर रहे हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं। तो उसको आपका सारा डेटा मिलेगा। तो जब उसको आपका सारा डेटा मिल गया तो ऑटोमेटिकली वो आपका डेटा चुरा सकता है, आपका डेटा किसी और को बता सकता है। तो आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, मतलब आपकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए लिखा है सिक्योरिटी प्रॉब्लम, मतलब सेफ्टी का प्रॉब्लम हो जाएगा, सेफ्टी इश्यूज हो जाएंगे। समझ में? पॉइंट नंबर टू, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और पॉइंट नंबर थ्री लैंग्वेज बैरियर, मैं दोनों साथ में सिखाता हूं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज बैरियर, मैं ये साथ में सिखाता हूं। अब लैक ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या, मैंने केपीओ को बोल दिया कि भैया लो मेरा ये काम समझ, अब ना मैं उनसे कम्युनिकेट कर ज्यादा कर रहा हूँ ना वो लोग मेरे से ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया या मेरा काम करके मेरे को दे दिया। पर जब साथ में कम्युनिकेशन ही नहीं हुई तो काम अच्छा हो सकता है कि यार काम अच्छा हो ही नहीं सकता है। और सिमिलरली उससे कनेक्टेड क्या है, लैंग्वेज बैरियर। अगर मैं किसी फॉरेन कंपनी को देता हूँ, क्योंकि फॉरेन कंपनी डेफिनेटली ज्यादा एक्सपर्टीज वाली रहेगी, तो अगर मैं फॉरेन कंपनी को देता हूँ मेरा काम तो लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। हमारे यहाँ की लैंग्वेज अलग, वहां की लैंग्वेज अलग, हमारे यहाँ का मार्केट अलग, वहां की मार्केट अलग, हमारे यहाँ का तौर तरीका काम करने का तरीका अलग, वहां का काम करने का तरीका अलग, तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। तो लैंग्वेज बैरियर आ गया, उससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब दोनों में लैंग्वेज बैरियर है तो कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। समझ में आया क्या? तो ये दोनों मेजर डिसएडवांटेज है किसका, केपीओ का। ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। समझ में आया, लैंग्वेज बैरियर एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। अब एक बात याद रखो, बीपीओ को नॉर्मल काम मिलता है, कैसा काम, नॉर्मल काम, और केपीओ को हाई लेवल का काम मिलता है। बराबर, कैसा काम, हाई लेवल का काम। अब एक सिंपल लॉजिक है, जो नॉर्मल काम होगा वो जल्दी होगा, जो हाई लेवल का काम होगा उसमें टाइम लगेगा। समझ में आया क्या? अब जैसे अगर मैंने बीपीओ को काम दिया कि मेरी कंप्लेंट्स आप हैंडल करो, तो कस्टमर ने कंप्लेन किया बीपीओ में, बीपीओ ने उसको सोल्यूशन दे दिया, काम खत्म। समझ में आएगा, कितना इजी फास्ट एकदम। लेकिन अगर मैंने पूरा मार्केट स्ट्रक्चर दिया है केपीओ को, कि मार्केट स्ट्रक्चर की पूरी डिटेल निकाल के मेरे को दो, मैं क्या चेंजेस करूं मेरी कंपनी में वो आप मुझे बताओ, तो उसमें टाइम लगेगा ना, इतना जल्दी तो हो नहीं सकता, इसलिए वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। समझ में आया, क्यों टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये हाई लेवल काम है, नॉर्मल लेवल काम नहीं है। और लास्ट पॉइंट क्या है, नो अश्योरेंस, मतलब कोई गारंटी नहीं है, कोई अश्योरेंस नहीं है। बीपीओ आपको गारंटी देता है, क्या गारंटी देता है, कि भाई हम आपके कस्टमर का कॉल अटेंड करेंगे, हम उसकी कंप्लेन सुनेंगे, हम कोशिश करेंगे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हम आपको बताएंगे कि आपके कस्टमर से क्या क्या कंप्लेंट्स आ रही है। पर केपीओ गारंटी नहीं दे सकता है, क्यों, क्योंकि हाई लेवल काम है। जब काम हाई लेवल है तो रिस्क भी ज्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और डिफिकल्टी भी बढ़ जाती है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेसफुली आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, सक्सेसफुली आपको ऐसी एडवाइस मिलेगी जिससे जो आपकी कंपनी में काम आए, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। समझ में आया, एज कंपेयर टू बीपीओ ऑफ कोर्स। No assurance. Five point disadvantage. Is it clear? ये है introduction, meaning and introduction. ये है advantages, disadvantages. समझ में आया? Meaning, introduction, advantages, disadvantages. हम पर ने answer कौन सा किया आज? KPO. Is it clear? Thank you.